नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। आब समाचार विस्तार से। मोरंग के सुंदर हरीचा में एक व्यवसायी के हत्या भेल छे। बृहस्पति दिन भिनसर सुंदर हरीचा नगर पालिका वार्ड नंबर 9 के 49 वर्षक सहदेव बजगाई के हत्या भेल छे। घर लग में रहल मुर्गा फार्म संचालन करित आब रहल बजगाई के वही फार्म भीतर शव भेटल प्रहरी जानकारी देलक अछि। बजगाई के मथा तथा शरीर के और भाग में चोट देखल गेल छे। घटनास्थल में खून लागल अवस्था में कुरहर आ जरना भेटल छे। बजगाई के मुर्गा फार्म में काज कर श्रीमान श्रीमती रहित आब रहल छल। घटना बाद दुनू गोटे फरार रहल छे। ओकर सबके खोजी भ रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। रोथड के ईशनाथ में आम के विषय के ल कऽ 17 वर्षक शहबाज मियाँ आलम के हत्या भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। आम तोड़ने विषय में विवाद भेला पर दू चार झापड़ मारने बदला में योजना बना कर मंगल दिन आलम के हत्या कैल गेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। आलम के हत्या के अभियोग में प्रहरी बौद्धी माई नगर पालिका नंबर 1 बौधा पतौरा गांव घर भ कऽ अखन ईशनाथ नगर पालिका नंबर 3 स्थित मामा घर में रहित आब रहल 18 वर्षक दसई शाह आ ओकर साथी स्थानीय 19 वर्षक रोशन शाह के पकड़ कर सार्वजनिक कयने रोथड़ के प्रहरी प्रवक्ता DSP एलिजा गिरी जानकारी देलन अछि। दुनू गोटे मिलकर ईशनाथ वड़ा नंबर 9 लावातना गाम के 17 वर्षक आलम के माथ में सड़ी आ पेट में धड़गड़ हथियार प्रहार कर हत्या कयने DSP गिरी बतौलन अछि। मंगल के रात शौच कर गेल समय में आलम के ल के आम के गाछी में दसई पछाड़ी से चेहरा मथा में सड़ी प्रहार कयने आ एक बाद रोशन पेट में दू बेर छुरा प्रहार कला से ओकर घटनास्थल में मृत्यु भेल छल। घटना के एक दिन पहिने ही आम तोड़ने विषय में दसई शाह आ मृतक के भाई 10 वर्षक साबिर मियाँ आलम संग विवाद भेल छल। अहि क्रम में शहबाज आलम दसई शाह के दू चार झापड़ मारने छल। वही घटना के बदला लेब दसई साथी रोशन संग मिलकर योजना बनाकर शहबाज के हत्या कयने प्रहरी जानकारी देलक अछि। बारा के पसहा पुल समीप बस दुर्घटना भेला से 13 गोटे घायल भेल छै। बृहस्पति दिन पूर्व पश्चिम राजमार्ग में मलंगवा से बिरगन दिस जा रहल N4X7194 नंबर के बस दुर्घटना में पड़ल छे। जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका नंबर 16 में रहल पसहा पुल कात में बस दुर्घटना भेला से 13 गोटे घायल भेल। बारा के प्रहरी नायब उप निरीक्षक दधिराम ने उपाने जानकारी देलन अछि। घायल में से 2 गोटे के अवस्था गंभीर रहल छे। बस अनियंत्रित भ कऽ पलटल छल। मधेश प्रदेश के प्रादेशिक मंत्रालय बजट सूचना प्रणाली हैक कऽ कऽ रेड बुक की योजना फेरबदल कयल गेल विषय में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सहित के विपक्षी दल छानबीन कर मांग कयने छै। बृहस्पति दिन मधेश प्रदेश सभा शुरू भेला लगले जसपा नेपाल के सांसद राम आशीष यादव अपना सब अखाड़ 16 गते मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह के बुझौने ध्यानाकर्षण पत्र के मांग संबोधन कर आग्रह कयने छलथि। ओ प्रादेशिक मंत्रालय बजट सूचना प्रणाली PLMBIS हैक कर योजना से फेरबदल भेल मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुकल अवस्था में छानबीन प्रक्रिया किया आगा नहीं बढ़ाओल गेल विषय में जवाब मांग कयने छलथि। ओ सरकारक जवाब नहीं आव धरि बैठक आगा बढ़ा नहीं देवाक अड़ान लेने छलथि। सांसद यादव ई घटना में सरकारी शंकास्पद रहला से सदन द्वारा जाँच कैल जेबाक सेहो मांग कयने छलथि। हम माननीय सभामुख जी मधेश प्रदेश सरकार को आर्थिक वर्ष 2081-82 को राजस्व और व्यय को वार्षिक अनुमान माथि मिति 2081-0 मधेश प्रदेश सर्वप्रथम माननीय सभामुख जी मधेश प्रदेश सरकार को आर्थिक वर्ष 2081-82 जारी माने में जो गलत सब है अपने करे के चाहिए। सरकार के नियमन नियंत्रण अगर सरकार अनियंत्रित है पासवर्ड सुपर पासवर्ड कोड अपने के जैसे हैक हुई छे चोरी हुई छे और अनाधिकृत योजना सब प्रस्तावित रेड बुक में लिखल गेले सरकार स्वयं स्वीकारे छे। एकर नियंत्रण सरकार करते कि सदन करते? सरकार स्वयं अपने के शंका के घेरा में छे। एकर कंट्रोल सभामुख जी
प्रदेश सभा के सम्मानित सभामुख जी के समक्ष हम रखे छी। अगर प्रतिपक्ष गलत छी त अपने कहल जाए जे मांग प्रतिपक्ष अगर नहीं उठावे त गलत छी त कहल जाए गलत है, नहीं तो प्रतिपक्ष के आवाज के सुनैत हम चाहबे जे मुख्यमंत्री जी के धारणा विषय में आवे, सरकार के धारणा कम से कम आवे सभामुख जी, तब अपने जे सदन सुचारू करके प्रयास कैल जाए। बैठक के प्रक्रिया आगा बढ़ा देव सभामुख रामचंद्र मंडल बेर बेर आग्रह कलो पर सांसद सब जवाब दिला बाद मात्र बैठक चल देवक अड़ान लेने छल। एकर बाद सभामुख मुख्यमंत्री सिंह के जवाब देव रूलिंग केने छलथि। जवाब देत मुख्यमंत्री सिंह प्रदेश सरकार उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठन कक दोषी के कार्रवाई करवाक प्रतिबद्धता जनौने छलथि। हमरा सबके शुरू दिन से ही प्रतिपक्ष जी बात उठा रहल छथिन, हुनका सबके पटक पटक ई बात कहि रहल छी, यदि कतौ से कोनो गड़बड़ी भेल छै तऽ ओकरा हमरा सबके उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठन करके हमसब ओकरा कार्रवाई करब, कतौ छोड़े के बात नहि करने छी। हमसब शुरू दिन से ही कहि रहल छी, अपने सब जे छै से एकटा जीत पर मात्र आ रहल छी, हमरा सबके कहि रहल छी उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठन करके हमसब कार्रवाई करब। आओर जहाँ तक क्षेत्र में असंतुलित बजट जे आयल कहि रहल छथिन तो ओकरा सबके हमसब भविष्य में संतुलित अजय संतुलित करे के लागि हमसब प्रयास करब। एते कहैत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जवाब देला बाद बैठक शुरू भेल छल। नेपाली कांग्रेस जसपा नेपाल लोसपा आ रापरपा के सांसद सब बजट सूचना प्रणाली हैक कैल गेल विषय में सत्य तथ्य पता लगाव संसदीय छानबीन समिति गठन कैल जेबाक बजट पुनर्लेखन कक प्रदेश सभा में परामर्श कैल जेबाक आ बजट पुनर्लेखन करैत काल सब संसदीय क्षेत्र में संतुलित बजट कायम कैल जेबाक मांग राखैत आबि रहल छै। मधेश प्रदेश के सांसद सब प्रदेश सरकार मनोमानी ढंग से बजट आनने आरोप लगौने छै। बृहस्पति दिन बैसल मधेश प्रदेश सभा में मधेश प्रदेश के आर्थिक वर्ष 2081-82 के राजस्व के वार्षिक अनुमान ऊपर के परामर्श में सहभागी होत सांसद सब एहन आरोप लगौने छै। ओ सब मधेश सरकारक मंत्री सब के क्षेत्र में अत्यधिक बजट छुटियाल गेल कहत समान रूप में बजट आनल जेबाक कहने छै। बैठक में नेकपा एमाले के सांसद लखन दास मंत्री सब अपन व्यक्तिगत संपत्ति बुझ कर योजना से वितरण के आरोप लगल तो सरोज यादव कौन सरोज यादव यहाँ तो धेरे सरोज यादव कौन सरोज यादव सरोज यादव के हो पर्यटन मंत्रालय को टपलर हो कि हिटलर हो कि यहाँ को सीएम हो तो वहाँ बाट जवाब मेरे चाहिए। अर्को कुरा के सभामुख महोदय तपाईं को अनि त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम आई सके पछि हामी बजेट हेर्यो। बजेट हेर्दाखेरि वास्तव में हाम्रो बुझाई अनुसार सब मान्यजी यहाँ विद्वान हुनुहुन्छ हाम्रो बुझाई के छ भने बजेट भनेको यो मधेश प्रदेश को एउटा विकास को बजेट हो, यो मधेश प्रदेश को एउटा विकास को बजेट हो। जनता को सुशासन को लागि जनता को डिलिवरी को लागि पिछड़ियोको जनताहरुको हक हितको लागि कानून व्यवस्थित गर्नको लागि छुट्याएको एउटा शीर्षक नै बजेट हो। तर यसमा मन्त्रीजीहरुले यो आफ्नो सम्पत्ति ठानेर आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति ठानेर आफ्नो निजीगत सम्पत्ति ठानेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भविष्यमा चुनाव जित्नको निम्ति यसरी जुन बजेट हालिएको छ यो सांसद दास अपन क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होत अलो पर अ क्षेत्र के विकास आ समृद्धि के योजना सब में रकम नहीं रखने से उपराग कने छलथि। तहिना नेकपा एमाले के सांसद राजेंद्र प्रसाद चौधरी से हो मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान मधेशक चलचित्र बोर्ड लोक सेवा आयोग जन लोकपाल आयोग लगात के कोनो भी संस्था काज कर नहीं सकला से तत्काल खारिज कल देवक मांग कने छलथि। त्यो मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जुन रूपले काम गर्नुपर्ने हो त्यो रूपमा चाहिँ काम गर्न सकिरहेको छैन। उनले गरेको काम कारवाहीमा हाम्रो इलाहारमा सिरा शक्तिमा काम गरेको आमा धेरै प्रश्नहरू उठेको छ, त्यहाँको साहित्यकारहरूले कुरा उठाएको छ। त्यसैले यस्ता गैर कानुनी रूपमा गठन गरिएका आयोगहरूप्रति जुन बजेट विनियोग छ त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै चलचित्र बोर्ड छ,
लोक सेवा आयोग छ, जनलोकपाल आयोग छ, त्यसमा हामी कुनै काम कारवाही देखिरहेका छैनौँ। तहिना जसपा नेपालके सांसद किरण कुमार ईसा आवासीय कन्या विद्यालयके स्थापना गर माग कयलनि। ओ मधेशक बेटीके बाहर पढ़वाक लेल पठाव कोनो भी अभिभावक नहि चाहने कहैत मधेसेमे अध्ययनके लेल प्रदेश सरकार द्वारा विशेष प्रयास कयल जेबाक बतौलनि। लोग कितनो धनी घर में किया न रहे, लेकिन बेटी के लोग घर से बाहर नहीं पठबे ले चाहे छे। हम चाहलिए मदेश के बेटी मदेश सरकार जिम्मेवारी ले और आवासीय कन्या विद्यालय में उस सर्वांगी कोकर विकास के लागी एहन विद्यालय बने जेमे परसा के बेटी हुआ, सप्तरी के बेटी हुआ, बारह के बेटी हुआ, बढ़िया से अपन और सर्वांगी विकास के एक सबल नागरिक सशक्त नागरिक बन के खड़ा हेतु। खाली मात्र कहला से कानून कहला से जब 50% आरक्षण दे दीजिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बताओ अभियान लाब दिलिए, वही से हमारे बेटी सबका अवस्था बढ़िया भ गए। आई बालिका संरक्षण एहन चल अल बहुत जल्दी एक से कल्याण मन के लागे हम कतो योजना में एहन नहीं देखलिए अहाँके कोनो भी एक पूर्वाधार तैयारी करे के लागे कोनो भी नीति नहीं देखलिए, कोनो एहन कार्यक्रम नहीं देखलिए। बालिका संरक्षण एहन हम पारित भ गए तकर बाद अहाँके बजट आयल, वही के आधारित एक तो आना चाहिए ना योजना सब, कोनो योजना परियोजना नहीं आयल। बैठक में नेपाली कांग्रेसक सांसद कुमारकांत झा मधेश सरकार अखन धरि कोनो काज कर नहीं सकल आरोप लगौलनि। ओ सदन में भाषण करवा काज मात्र भेल सेहो बतौलनि। ओ शिक्षा स्वास्थ्य लगायत मधेशक कोनो भी क्षेत्र में नीक से काज होबय नहि सकल आरोप लगौलनि। हामी पनि सरकारमा जान्छौँ, हाम्रो साथीहरू मन्त्री बन्छ म बुझिरहेको छु, तर तपाईँको कार्यनीति कार्ययोजना तर्जुमा कुनै अध्ययन छैन, स्थलगत अध्ययन छैन, खालि आफ्नो मात्र भुँडी कसरी भर्ने त्यो कुरामा छ। मलाई थाहा छ यहाँ त मान्छे प्रमाण त ल्याउन सकिँदैन, तर मलाई थाहा छ कति योजना बिक्री भएको छ। बैठक में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के सांसद रमिता प्रधान रेड बुक में भेल गड़बड़ी तत्काल संशोधन कर मांग कयने छलथि। खराब है इसलिए मैं मौन हूँ, बाद में बताऊंगा मैं कौन हूँ, अभी वह हो रहा है, अखन वह हो रहा है, सब अपन अपन बताबे रहे तै लेल हम सब बताबे के मौका नहीं, ताकि हम सब अपना हिसाब से अइल मन जे हमरा सब के योजना के बारे में पर गहन छलफल क के हम संपूर्ण मान्य जी सब ओहि पर केना समावेश होती योजना ओहि पर विचार क के यदि आई हम सब एक हफ्ता से बेसी जे अवरोध कयने छी, ई हम पेशे क के मतलब जे हमरा सबके संशोधन विषय रहल है उ ला के रातों किताब में ध के जे मुख्यमंत्री कहतथिन कि या हम ल अलिये तो शायद ई समस्या न होती। बैठक में जसपा नेपाल के सांसद बच्चा राउत आहिर एमाले के मनोज कुमार सिंह लगायत धारणा रखने छल। परामर्श में सांसद सब उठौने प्रश्न के जवाब दैत मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह असंतुलित बजट के संतुलित करबाक प्रयास करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। पड़ल योजना सबके भी बात उठले हन, हुनका सबके हम पहिलो भाषण देने रही जे हमसब संतुलित बजट जे समावेश करे के लागि सेहो हमसब पहल करने छी और नेपाल सरकार ई मध्य सरकार से अपने सबके विश्वास दिवै ला चाहै छी जे संतुलित बजट भेल छै ओकरा संतुलित करे के लागि हमसब प्रयास करब। खाने पानी के ओवर टैंक लगाइत और बहुत सारा बात सब जे आयल छै ओकरा सबके शिरोधार करैत आगामी दिन में एकरा जे छै से हमसब और नीक से नीक करे के प्रयत्न करब। मधेश प्रदेशक आर्थिक वर्ष 2081-82 के राजस्व के वार्षिक अनुमान ऊपर परामर्श बृहस्पति दिन सम्पन्न भेल छै। अइ लगले मुख्यमंत्री सिंह मधेश प्रदेश सरकारक विनियोजन
विधेयक 2081 सभा में प्रस्तुत कयने छलथि। विनियोजन विधेयक ऊपर खर्च कटौती के प्रस्ताव दर्ता कराब सांसद सब के 24 घंटा के समय दल गया है। तहिना बैठक में 2080 साल अखाड़ 26 गते गठित विशेष संसदीय छानबीन समिति के म्याद बढ़ाओल गेल छे। समिति के म्याद 2081 अखाड़ मसांत धरि बढ़ाओल गेल छे। मधेश प्रदेश सभा के दोसर बैठक शुक्र दिन 11 बजे बजाओल गेल छे। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के नेत्री तथा मधेश प्रदेश के सांसद ललिता दास प्रदेश सरकारक भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय खारिजी के मांग कयलनि अछि। बृहस्पति दिन मधेश प्रदेश सभा में आर्थिक वर्ष 2081-82 के राजस्व के वार्षिक अनुमान ऊपर के परामर्श में सहभागी होइत सांसद दास एहन मांग कयलनि अछि। ओ पूर्वाधार के काज भौतिक मंत्रालय के मात्रे भेल जिक्र करैत आओर सब मंत्रालय सेहो पूर्वाधार की योजना सब में बजट छुटेनाइ गलत भेल बतौलनि। ओ सब मंत्रालय पूर्वाधार के काज कयला पर भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय के औचित्य नहि हेबा कहैत खारेजी के मांग कयलनि। मंत्रालय और अर्थ मंत्रालय में रिलेशन व्यक्तित्व संबंध के आधार पर बांटफाट किया गया है। अगावे कमीशन लेकर के बजट बेचा गया है। योजना हर एक मंत्रालय में पूर्वाधार मंत्रालय का कार्यक्रम और बजट रखा गया है, तो फिर भौतिक मंत्रालय क्यों चाहिए? मैं आग्रह करती हूँ सभामुख महोदय इसी प्रदेश सभा से कि मध्य प्रदेश में भौतिक मंत्रालय हटाया जाए। सांसद दास कमीशन लक बजट वितरण होते आयल से आरोप लगौने छलथि। ओ हरेक बरस छोट छोट योजना आनिक बजट सठेबा काज मात्र भेल सेहो आरोप लगौलनि। किसान सहित के यहाँ के मधेश प्रदेश के जो हम लोग क्या करते हैं, हर साल खायो पियो चोखो भयो, ये कब तक ऐसे समृद्धि हो जाएगा? कहते हैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी बात कि कृषि में परिवर्तन लाएंगे, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी घास वास कपास पहचान के बात करते हैं, मगर हम लोग इस के लिए करते क्या हैं? सांसद दास मधेश प्रदेश सरकारक बजट संघ से पृथक रहल जेबा में ओना हुआ नहीं सकल से आरोप लगौलनि। वो बजट असमान रूप में वितरण भेल आरोप से लगौने छलथि। सरकार सामाजिक सुरक्षा संबंधी सेवा प्रदान कर राष्ट्रीय परिचय पत्र लागू करबाक निर्णय से पाछा हटल छे। बृहस्पति दिन सिंहदरबार में बैसल मंत्रिपरिषद के बैठक सामाजिक सुरक्षा संबंधी सेवा प्रदान कर राष्ट्रीय परिचय पत्र लागू करबाक निर्णय भेल में तत्काल के लेल पाछा हटल छे। बैठक के निर्णय सुनबैत सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा सरकार देशक विभिन्न स्थान भेल वर्षा बाढ़ आ भूस्खलन के कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त करय वाला नागरिक के राष्ट्रीय परिचय पत्र बनाब असहज परिस्थिति सृजना भेला से तत्कालक लेल राष्ट्रीय परिचय पत्र लागू नहीं करबाक उद्देश्य लक गृह मंत्रालय के निर्देशन देबाक निर्णय भेल सेहो बतौलनि। आपके बीच में राखना चाहते छु अर्थ मंत्रालय को प्रस्ताव में नेपाल सरकार और चीन सरकार बीच हस्ताक्षर होने स्ट्रेन्थनिंग द डेवलपमेंट कोऑपरेशन इन बिल्डिंग द ट्रांस हिमालयन मल्टी डाइमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क विषय समझदारी पत्र स्वीकृत करने भाग कानून मंत्रालय अंतर्गत बेपत्ता पारिएका व्यक्ति को छानबीन आयोग सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग को कार्य अवधि 82 साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा भएको छ। अर्थ मंत्रालय को प्रस्ताव में स्थानीय तह राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली संचालन निर्देशिका 2081 स्वीकृत करने भन्ने निर्णय भएको छ। र अर्थकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको मिति 2080-10-18 को निर्णय अनुसार गठित कार्यदलले पेश गरेको फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन 2081 सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवेदनमा औलाएका सुझावहरू कारण प्रतिवेदन भएको छ। र अर्को सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र एनआइडी लागू गर्ने निर्णय भएकोमा मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा भएको वर्षा बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन असहज परिसृजना भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र एनआइडी लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र सरकार होमलु जात के जनजातिमा सूचीकृत गर्नबाक निर्णय सेहो कयने छ।
आप व्यावसायिक विश्राम, विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। दादा बाहिर भाइरस छ। न डराउ, मात्र पम्प र छु गर्दियो भाइरसलाई। पम्प र छु? हो, लाइफ बॉय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस, त्यसैले पम्प र छु। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। धुलो र पोल्युसनले मेरो अनुहारको चमक नै हराइसक्यो। तपाईलाई चाहिन्छ गोट मिल्कले समृद्ध प्यारासुट स्किन प्योर गोट मिल्क फेस वाश, जसले तपाईको मुहारलाई बनाउँछ चम्किलो र उज्यालो। प्यारासुट स्किन प्योर गोट मिल्क ब्राइटनिङ फेस वाश ओरेन्ज र एलोभेरा भेरिएन्ट्समा पनि उपलब्ध छ। जब केश सेहत मजबूत तब लागव आरो सुन्दर असली आंवला डाबर आंवला। भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। अंकल शपिंग लिस्ट। रिजल्ट्स आयो रे, अब के पढ्छ? डाक्टर भन्छु, बेस्ट कलेजेसमा अप्लाई गरेकी छु। सबै कलेज उस्तै होइनन् र? हेरोल पनि त सबै उस्तै देखिन्छ नि, त्यही पनि तपाईँले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि, म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु। प्यारासुट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरूका लागि यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर। प्यारासुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट। विश्रामवाद समाचारमा स्वागत अछि। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विश्वासक मत नै उपलब्ध पर संविधानक कोन धारा अनुसार नयाँ सरकार गठन हेबा कहल विषयमे राजनीतिक दल सब अपन अपन दावी प्रस्तुत कऽ रहल छै। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल काल्हि संसदसँ विश्वासक मत लेबऽ लागल छै। प्रधानमन्त्री दाहाल विश्वासक मत नै पाओल अवस्थामे राष्ट्रपति नयाँ प्रधानमन्त्री संविधानक कोन धारा अनुसार नियुक्त करबाक कहल विषयमे चाँख आ बहस सब भऽ रहल छै। वर्तमान प्रधानमन्त्री संविधानक धारा 76(2) बमोजिम नियुक्त रहल छै आ ओ विश्वासक मत नै पौलापर स्वतः धारा 76(3) मे जेबाक माओवादी केन्द्रके नेता सब दावी कऽ रहल छै। एम्हर कांग्रेस एमालेके नेता सब धारा 76(2) बमोजिममे प्रधानमन्त्री नियुक्त हेबाक बताबि रहल छै। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभाके बैठक बाद संचारकर्मी सङ्ग बात करैत नेकपा एमालेके प्रमुख सचेतक महेश बरतौला नया सरकार संविधान 76(2) अनुसार बनबाक जिक्र कयलनि अछि। कस्तो रह्यो बताइदिनुहोस् अहिलेसम्मको अनुभव? होइन, पहिलो कुरा त यो संसदीय प्रणालीमा यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। सरकारमा रहने, सरकारभन्दा बाहिर प्रतिपक्षमा रहने, यसलाई नियमित प्रक्रियाका रूपमा, संसदीय अभ्यासका रूपमा रहनुपर्छ। हामीले आलोचना टिप्पणी वा समर्थन भन्दा पनि तथ्यका आधारबाट संसदमा मान्य सदस्यहरूले हामी सबैले जो जसको जहाँ जे भूमिका छ त्यस आधारबाट हाम्रा प्रस्तुति रहने हो। त्यस कारणले गर्दा तथ्यका आधारबाट सरकारमा हुँदा जवाबदेहीपूर्ण ढङ्गबाट हुनसक्छ, प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि खबरदारीको कोणबाट हुनसक्छ, आसन अनुसारका भूमिका फेरिन्छ। तथापि पनि देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्ने हाम्रा कर्तव्यहरूमा धेरै फरक हुँदैन। मुख्य कुरा जनता र देश र प्रणालीको सुदृढीकरणमा हामीले कसरी योगदान गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा मुख्य विषय हो। जस्तो माननीय तैना नेपाली काङ्ग्रेसकै सांसद चन्द्र भण्डारी दू बड़का दल सब मिलकर सरकार बनौला पर कोन धारा अनुसार सरकार बनेबाक कहल विषयमे संविधान मौन रहल बतौलनि। ओ बड़का पार्टी सब मिलकर कयल गेल समझौताके संवैधानिक रूपमे लेल जेबाक कहैत वही बमोजिम सरकार गठन हेबाक बतौलनि। जस्तो सरकार गठनको विषयमा अहिले यति चर्चा छ आम जनतासम्म कि 76(2) धारा 2 कि धारा 3 भन्ने विषय व्याख्या गरेको छ। संविधानले जे व्याख्या गरेको छ त्यही अनुसार ठुला पार्टीहरू मिलेर जाँदाखेरि कसरी जान्छ? हामीले संविधानमा ठुला पार्टीहरू एकचोटि मिलेर आए के गर्ने भन्ने कुरामा मौन छ नि। त्यो मौन भएको कारणले यो कुरा उठाएको हो, तर यसले आफ्नो कोर्स लिन्छ। जस्तो के छ अबको प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी शर्मा ओली कि तपाईँहरूको संसद? तैना नेकपा माओवादी केन्द्रकै सांसद माधव सापकोटा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विश्वासक मत नै पौला पर संविधानक धारा 76(3) बमोजिम सरकार गठन हेबाक दावी कयलनि। 1 बजे नभए 2 बजे बस्ने नियमित प्रचलन हो संसदको। आज चाहिँ राष्ट्रिय सभाबाट बजेटसँग सम्बन्धित भएका केही बिलहरू आउँछन् भन्ने अपेक्षाका साथ 4 बजेलाई राखिएको हो समझदारीमै, र आजै बार अनुसार चाहिँ क्याबिनेट बस्ने बार रहेछ।
साँझ कि बिहान बस्ने हो सरकारी काम राष्ट्रिय सभा प्रभावित भइसके पछाडि सांसद सापकोटा प्रधानमन्त्री राजीनामा नै देबाक थियो स्पष्ट गरेन। प्रधानमन्त्री मतदान प्रक्रियासँग विश्वासक मत लेबाक हुनक कथन छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालके विश्वासक मत नै देबाक निर्णय कयने छ। बृहस्पति दिन सिंहदरबारमा बैसल संसदीय दलके बैठक प्रधानमन्त्री दाहालके विश्वासक मत नै देबाक निर्णय कयने छ। बैठक बाद निर्णय सुनबैत पार्टी के प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाही संसदीय दल के बैठक प्रधानमंत्री दाहाल के विश्वासक मत नहीं देवाक निर्णय कने जानकारी दिलन। ओ प्रधानमंत्री दाहाल प्रधानमंत्री अराजक गतिविधि कने कहते देश के अखन के अवस्था में पहुंचेबाक काम स्वयं वर्तमान प्रधानमंत्री कने आरोप लगौलन। ओ लाखों युवा के विदेश जाय बाध्य करवाक देशक भौतिक संरचना ध्वस्त कक देश के विश्व के गरीब देश बनेबाक मुख्य पात्र वर्तमान प्रधानमंत्री भेल आरोप लगौलन। समयदेखि देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउने र आज यो मुलुकलाई हजारौं लाखौं युवाहरूलाई विदेश जान बाध्य पार्ने देश भौतिक संरचना ध्वस्त पारेर मुलुकलाई आज पनि विश्वको सबभन्दा गरीब देश बनाउने भित्र यसको मुख्य नेतृत्व नै अहिलेको प्रधानमन्त्री गरेको र प्रधानमन्त्री चाहिँ कुनै पनि हिसाबले अहिले पनि यदि नेपाल जस्तो देश शान्ति सरकारमे पार्टी जेबाक वा नै जेबाक कहल विषयमे संविधान संशोधनके लेल होवला सहमति सबमे भर पड़त अखने निर्णय नै भेल सेहो स्पष्ट कयने छलथि। सीता दाहालके पहिल स्मृति सभा सम्पन्न भेल छै। प्रधानमन्त्रीके सरकारी निवास बालुवाटाडमे स्मृति सभा सम्पन्न भेल छै। पहिल वार्षिकीमे स्वर्गीय दाहालके श्रद्धांजलि अर्पण करब पार्टीके नेता कार्यकर्ता सबके उपस्थिति रहल छल। स्मृति सभामे राष्ट्रीय सभाके अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, नेकपा माओवादी केन्द्रके उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायत सेहो स्वर्गीय दाहालके श्रद्धा सुमन अर्पण कर बालुवाटार पहुँचल छल। स्मृति सभामे पहुँचल सब स्वर्गीय दाहालके तस्वीरमे माल्यार्पण तथा पुष्पगुच्छा सहितके श्रद्धा अर्पण कयने छल। दाहालके बीतल वर्ष अखाढ़ 27 गते निधन भेल छल। पार्टी कामके सिलसिलामे पंचायत कालमे लम्बा समय भूमिगत जीवन बितौने सीता जनयुद्ध शुरू भेला बाद दाहाल सँगे 2052 सालसँ भूमिगत रहल छल। पार्टी भीतरके संकट आ विवाद समाधान में ओ समन्वयकारी भूमिका निर्वाह समेत कयने छलथि। उप प्रधान एवं परराष्ट्र मंत्री नेकपा माओवादी केन्द्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ कम्युनिस्ट आंदोलन के सकारात्मक रूप में आगा बढ़ाव आवश्यक रहल बतौलने छै। बृहस्पति दिन बालुवाटाड़ में हार्दिक एउटा राजनीतिक योद्धाका रूपमा लोकतन्त्र र परिवर्तनका योद्धाका रूपमा सधैँ स्मरण गरिनुहुनेछ। उहाँले अघि मैले भने जे जति सङ्घर्षशील जीवनका वर्षहरू दशकहरू पार गर्नुभयो र त्यसको समेत परिणामस्वरूप आज जे उपलब्धि हासिल भएका छन् त्यसलाई रक्षा गर्ने दायित्व हाम्रो तर्फबाट जति गर्नुपर्ने हो त्यसमा हामी लाग्छौँ। त्यसलाई सामाजिक क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा विस्तार गर्ने काममा लाग्छौँ र बाँकी कार्यभार जति पुरा गर्नु छ त्यतिसम्म लाग्छौँ। यसमा हामी एकताबद्ध भएर सङ्गठित भएर अझ एकतालाई व्यापक बनाएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसमा त हामी प्रतिबद्ध र सङ्कल्पबद्ध छौँ नै। कमरेड अध्यक्षको जीवनसाथीका रूपमा जे जति उहाँले कमरेड अध्यक्षलाई
नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेताको रूपमा अगुवाको रूपमा स्थापित गर्न योगदान गर्नुभयो। ओ अखन के आवश्यकता जनता के आंदोलन से प्राप्त उपलब्धि के रक्षा करब रहल बतौलन। ओ आंदोलन के रक्षा करत नागरिकक इच्छा बमोजिम काज करब आवश्यक रहल सो बतौलन। ओ विभिन्न बहाना में प्रतिगामी तत्व सब आंदोलन ऊपर धावा बोलवा काज करहल कहत ऐसे ऊपर उठ सो के ऊपर उठ नहीं देव सो आग्रह कने छलथ। उपाध्यक्ष श्रेष्ठ सीता दहाल के निधन से पार्टी के अभिभावक के अभाव खटक रहल बतौने छलथ। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ सरकार से कैल जेबाक 60 अरब भुगतानी नहीं कला से सप्लाई चेन अस्त व्यस्त भेल बतौने छे। बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन करैत सरकार आर्थिक वर्ष के आखार मसान धरि 60 अरब भुगतानी नहीं कला से सप्लाई चेन अस्त व्यस्त भेल दावी केने छे। महासंघ सरकार बीतल 2 वर्ष से निर्माण व्यवसाय सब से पाओल जाय वाला भुगतानी नहीं केने बतौने छे। महासंघ बीतल आर्थिक वर्ष 2079-80 आ चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 के आयोजना निर्माण कार्य संपन्न कैल वापत के 60 अरब रुपया भुगतानी करब बाकी रहल जानकारी देने छे। महासंघ के महासचिव रोशन दहाल अखाड़ मसान भ चुकला पर समेत अर्थ मंत्रालय रकमांतर आ भुगतानी फुकवाने के लाके कारण बड़का मात्रा में रकम एखनो निकास होब नहीं सकल बतौलन। सार्वजनिक खरीद नियमावलीको 13 संशोधन जारी भए पश्चात म्याद भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब रु 40 अरब र चालू आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको कारण लामो समय अघिदेखि बाँकी भएको करिब रु 20 अरब गरी व्यवसायहरूको करिब 60 अरब रकम भुक्तान हुनुपर्ने मध्ये विभिन्न विकासीय मन्त्रालयबाट करिब 35 अरब मात्र रकमान्तर माग भएको र सोमध्ये करिब 15 अरब मात्र रकमान्तर भएको छ। साथै सो 15 अरब रकम रकमान्तर भएको मध्ये पनि 1 अरब 14 करोड इन्ट्री गर्न नभ्याएको स्थिति। महासंघ के अध्यक्ष रवि सिंह सरकार अखाड़ मसान धरि सेहो अपन सबके भुगतानी नहीं कला पर निर्णायक संघर्ष करबाक चेतावनी दिलन। ओ व्यवसायी सबके अरबों रकम भुगतानी होब बाकी रहला से रकमान्तर अखन धरि के रकम बाकी रकम अखाड़ मसान भीतर भुगतानी कर सरकार संग मांग कल। गर्नुपर्छ र भइरहेको योजनाहरू यदि सम्पन्न गर्ने हो भने ती योजनाहरूलाई चाहिँ आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर त्यो योजनालाई सम्पन्न गर्ने तिर लानुपर्छ। यदि त्यो योजनाहरू चाहिँ सरकारलाई आवश्यकता छैन भने हामीले भनेका छौँ यो सार्वजनिक खरिद ऐन नियममा व्यवस्था भए अनुसार त्यो योजनाहरू चाहिँ एउटा सहमति हेर्ने के भन्छ त अखाड़ मसान भीतर सब भुगतानी निकास फुगुआक व्यवस्था के लिए संबंधित कार्यालय के निर्देशन क देव सरकार संग मांग कल। ओ व्यवसायी सबके रकम भुगतान नहीं हो धरि नया टेंडर सब नहीं निकाल आ बजेट सुनिश्चितता नहीं भेल के आ भुगतानी लगात के समस्या पूरा होब नहीं सकल ठेका सब कानून बमोजिम सुविस्था के लिए आधार में अंत्य क फड़फाड़ पाक कर सो आग्रह कलन। ओ आब बनावला सरकार से समेत निर्माण उद्योग के समस्या समाधान के दिशा में ठोस प्रयास के मांग कने छलथि। आब व्यावसायिक विश्राम विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर आब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी कतार दुबई मलेशिया कुवैत लगात संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावे वाला अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावे वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी आप अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। आप विदेश जाय के लिए करावे वाला संपूर्ण काज सब के लिए काठमांडू नहीं जाय पड़त अपने जनकपुर धाम में आ गेल पैराडाइज मेन पावर। जाय के लागि जे आम पब्लिक सब के काठमांडू जाय के घंटो लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपये खर्चा होय छले। आब काठमांडू नहीं जाय पड़त मेन पावर अपने सब जनकपुर के भवन प्रास में आ गेल है। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम भ्रमरपुरा चौक परिक्रमा सड़क कॉन्टैक्ट 9611-25430 ISO 9001-2000 certified।
विश्रामबाद समाचार में स्वागत है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सब आध्यात्मिक जनचेतना कार्यक्रम कयने बुध दिन सरलाही के बढ़ातवा नगर पालिका नंबर 5 स्थित चक्र जनता शहीद गंगा उच्च माध्यमिक विद्यालय में सतलोक आश्रम धनुषा सयाल संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सब आध्यात्मिक जनचेतना कार्यक्रम कयने ओ सब प्रस्तुतिकरण करते शिक्षक वर्ग एवं विद्यार्थी सब सामाजिक विकृति से बचवाक लेल आध्यात्मिक जनचेतना के विषय में जानकारी करने छल। एहन कार्यक्रम से समाज सुधार के हरेक पक्ष में क्रांतिकारी परिवर्तन अयबाक विश्वास कयल गेल ओ सब बतौने छल। दक्षिण गाजापट्टी के खान यूनिस शहर में रहल एकटा विद्यालय के लक्षित कक इजरायली हवाई आक्रमण में कमती में 25 पैलेस्टाइनी के मृत्यु भेल छे, साथे और किछ घायल भेल पैलेस्टाइन जानकारी देलक अछि। इजरायली विमान मिसाइल प्रयोग कक खान यूनिस के पूर्व में रहल अवसान अल कबीरा शहर में सैकड़ों विस्थापित लोकसभ बैसत आयल अल आबदा स्कूल के गेट के निशाना बनाकर आक्रमण कैल गया। चिकित्सा स्रोत सब इजरायली हवाई आक्रमण में महिला आ बाल बालिका सहित कमती में 25 गोटे के मृत्यु भेल आ दर्जनों लोग घायल भेल जानकारी देने छे। ऐ क्षेत्र में भीड़ भाड़ भेल का कारण पीड़ित के संख्या बढ़ सकबाक बताओल गेल छे। इजरायल डिफेंस फोर्स हथियार प्रयोग कक इजरायली वायुसेना हमास के सैन्य शाखा के एक आतंकारी के आक्रमण केने सेहो बताओल गेल छे। बेस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।